Hello everyone, welcome to Nitya Education. Please subscribe our channel for more update and if regular update press the bell icon for more videos. Hello friends, hope all are doing well. Sorry for the delay. Last 15 days I am not uploading some video due to some busy going work. Okay, so let's start again and regular update. So today's our topic is compressor, means room air conditioning compressor RAC. जो रेजिडेंशियल हमारे एयर कंडीशनर होता है उसमें कौन से कंप्रेसर यूज़ करते हैं और उसके क्या टाइप्स हैं और उनके कट सेक्शन व्यूज मीन्स डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे. ओके, जैसे रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी एंड स्क्रॉल टाइप का यहाँ पे आपको वीडियोस दिख रहा है. तो इसी के तरीके से इन तीनों के बारे में आज हम सिर्फ 3 कंप्रेसर के बारे में ही जानेंगे. ओके, अब जैसे कि हम जानते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, उसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं. इसमें एक था रोटरी, आज हम जो पढ़ेंगे रोटरी का स्क्रू टाइप, ठीक है, स्क्रॉल एंड वेन टाइप में क्या फ़र्क है, एंड रेसिप्रोकेटिंग जो है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही आता है, उसमें सिंगल एक्टिंग और डायनेमिक में हम सेंट्रीफ्यूगल. इनके पिक्चोरिकल व्यूज और एंड कंस्ट्रक्शन व्यूज को समझेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 एक एक का डिटेल में पढ़ेंगे. बेनिफिट, वाई इट इज़ यूज और नॉट एंड वट इज़ द कैपेसिटी और कंप्रेसर दैट आर यूजिंग. ओके, ये भी हमने पढ़ा था. जैसे कि हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर बाय स्ट्रक्चर, ठीक है. तो एक होता है हमारा हर्माइट टाइप, जो आप भी ब्लैक कलर के कंप्रेसर देखते हैं फ्रिज में और हमारे एसीज में. एसी में वो सारे क्या होते हैं, हर्माइट टाइप मीन्स प्रॉपर वेल्डेड और शील्ड टाइप होता है जो नॉन रिपेरेबल होता है, ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद होता है सेमी हर्माइट टाइप, ठीक है. सेमी हर्माइट टाइप में क्या होता है कि हम उसे ओपन करके रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स अगर डैमेज हो. और थर्ड होता है हमारा कौन सा, ओपन टाइप, ठीक है. सो मोटर और शाफ्ट दोनों पार्ट क्या है, अलग अलग सेपरेट होते हैं, तो इसको हम ओपन टाइप कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं, एक और पॉइंट आता है इससे पहले, RF. रूम एयर कंडीशनिंग में आजकल 2 टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी. तो हम समझते हैं कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर क्या होता है. एक हमारा घरों में यूज होता है इन्वर्टर, ये वो नहीं, वो भी फ्रिक्वेंसी ट्रांसपोर्ट करता है. तो इसी तरीके से जो हमारा कंप्रेसर होता है फ्रिज में भी होता है आजकल इन्वर्टर कंप्रेसर, एसी में भी होता है. तो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, इसमें ग्राफ के जरिए हम समझते हैं ये हॉट है और ये हमारा कूलर, मतलब लोअर है 16 डिग्री टू 32 डिग्री टेम्परेचर, ये रेंज आप समझ लीजिए, ठीक है. और कंफर्टेबल हमारा हो गया 24 टू 22 हमारा कंफर्टेबल टेम्परेचर, ठीक है. जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर होता है, जैसे रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, और जो उसमें है नॉन इन्वर्टर ब्लैक लाइन, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हमारा टेम्परेचर हाई है, ठीक है. अब ये अगर कूल करने के लिए काम करेगा तो उसको क्या होता है कि अपना कंप्रेसर फुल एफर्ट लगाता है, ठीक है. जितने किलोवाट उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग फुल एफर्ट लगा के उसे तुरंत ही, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, स्टार्ट होते ही शूट करता है और एकदम क्या है, कूल कर दिया इसमें टेम्परेचर. और फिर नॉर्मल स्पीड पे चलते 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 फिर जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है फिर वो गर्म होने लगता है, देन फिर दोबारा वो शूट करता है. तो उससे अप एंड डाउन फ्रिक्वेंसी इसमें होती है. तो इस तरीके से हमारा ये कन्वेंशनल कंप्रेसर काम करता है, ठीक है, नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला. एंड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक वेरिएबल स्पीड होती है उसकी, वो अपनी फिक्स स्पीड पे धीरे धीरे टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जैसे ही एकदम हाई एकदम लो ना जाके एक कांस्टेंट स्पीड पे काम करता है, ठीक है. जैसे सिंपली हम समझ लें, हम हाईवे में जैसे चलते हैं अगर व्हीकल हमारा, वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड है, लगातार 40 की स्पीड में चल रहे हैं वो, ठीक है. और इस गली में चलते तो कभी ज़्यादा स्पीड कभी कम स्पीड, उस तरीके से काम करता है हमारा, ठीक है. और बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं कि अगर हम अपनी रेस 40 टू 60 रेंज में रखते हैं, उसमें एक मीटर होता है, इसमें होता है ग्रीन, रेड, येलो. अगर ग्रीन जोन में हम अपने व्हीकल को चलाएंगे तो वो अच्छी माइलेज देता है, और अगर रेड जोन में चलाएंगे मतलब स्पीड पे तो माइलेज कम हो जाता है. इसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारा नॉन वाटर कंप्रेसर होता है वो क्या है कि इसे 1.5 टन एसी की कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो ओनली 1.5 टन फिक्स कैपेसिटी पे वर्क करता है। बट जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है उसकी कैपेसिटी 0.32 लेके 1.7 की कैपेसिटी तक वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कंप्रेसर, कई बार बोलते हैं ना कि मुझे कंप्रेसर लेना, तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे परचेज करते हैं। तो होता है स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। नंबर, सिंगल स्टेज, टू स्टेज, मल्टी स्टेज, ड्राइव टाइप, मोटर टाइप, इंजन टाइप, वेल्डर चेन टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चर ओपन, सेमी हर्माइट, हर्माइट टाइप, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कूलिंग मेथड मीडियम, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। लुब्रिकेटिंग मैंने स्प्लैश लुब्रिकेंट, फ्लैश लुब्रिकेंट, फोर्स लुब्रिकेंट एंड ऑयल फ्री लुब्रिकेंट, ठीक है। उसी के साथ ये हमारा टनेज कैपेसिटी है जिसके अकॉर्डिंग हमारे कंप्रेसर की कैपेसिटी, ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी यूज़ कर, ऑल सारा क्या कैपेसिटी का खेल है। जैसे कि आप देखेंगे सबसे हाई कैपेसिटी का हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। देख लो आप 100 टन के अप्रॉक्सीमेट से स्टार्ट होके लेस देन 10,000 टन की कैपेसिटी पे काम करता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, जैसे चिलर, ठीक है, पावर प्लांट्स। उसके बाद हमारा रोटरी स्क्रू हाई कैपेसिटी में, जो लेस देन 800 टन से 20 टन से स्टार्ट होकर 800 टन तक कैपेसिटी होती है। उसका रोटरी स्क्रू जो हमारा रेजिडेंशियल में भी यूज़ किया जाता है, जो कहाँ यूज़ होता है, हम VRF या VRV में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रोटरी वेंट टाइप, तो ये हमारा रूम एसी में, विंडो एसी में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसका रेसिप्रोकेटिंग ओपन टाइप रेजिडेंशियल, ये हमारा रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो हमने बात किया था रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। तो आर ए में जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसमें भी दो टाइप होते हैं, रोटरी और रोटरी स्विंग टाइप। अब क्या डिफरेंस है इनमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये ब्लेड है और ये रोटर है, थोड़ा ये बात, ठीक है। इसमें ये क्या है, स्प्रिंग लोडेड होता है, यहाँ पे स्प्रिंग होगी, ये देखो गैप है इसमें, ठीक है। तो ये स्प्रिंग के थ्रू रोटेट करता है, तो यहाँ पे गैस लीक के इसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ये फिक्स कैपेसिटी पे घूमता रहता है, ठीक है। बट स्विंग टाइप में क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड वेन जो है, ब्लेड जो कहते हैं, इससे अटैच होता है, तो इसको एक फिक्स कैपेसिटी के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है वो अपना उस मोशन में काम करता है। तो ये इनमें एक मेन अंदर इंटरनल पार्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये तो है हमारा स्विंग टाइप, इसमें डायरेक्टली इससे अटैच है रोटर से, इसके हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इससे अटैच नहीं होता है, यहाँ पे गैप है, इससे गैस लीकेज भी क्रिएट होती है, और हमारा स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट स्पीड पे ही चल सकता है। नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में इस वाले कंप्रेसर को यूज़ करते हैं, रोटरी नॉर्मल, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में स्विंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से फ़ायदे क्या क्या हैं, इट्स हैज़ लो रेफ्रिजरेंट गैस लीकेज ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड लो फ्रिक्शन एंड वाइब्रेशन, साउंड भी कम होता है, इस तरीके से काम करता है। और जैसे भी आप देखो इसमें डुअल सिम, ठीक है, जैसे कई कंपनीज जैसे LG और भी कई सारी कंपनीज हैं, सैमसंग, वो डुअल स्विंग टाइप कंप्रेसर का भी इस्तेमाल, ट्रिपल भी आ गया आजकल, उसका इस्तेमाल करते हैं डुअल स्विंग टाइप कंप्रेसर। ठीक है, ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन यूज से समझ सकते हैं। तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है, वो सक्शन है, डिस्चार्ज है, हमारा शाफ्ट, ठीक है, मोटर, ये सेमी हर्माइट टाइप में, ठीक है। तो ये इसके पार्ट है हमारा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये हम बात करें रोटरी वेंट टाइप, ठीक है, सक्शन, डिस्चार्ज, एक्यूमुलेटर, बियरिंग, सब बियरिंग, कंप्रेशन पार्ट, मफलर, स्टेटर और ये रोटर। तो ये इसका व्यूज है, ठीक है। ये इस तरीके से स्टार्ट करता है, फर्स्ट टू फिफ्थ 5 स्टेजेस में काम करता है। ये देखो ना सीलिंग में, तो ये इन्वर्टर में फिक्स रहता है हमारा। स्क्रॉल टाइप, तो ये स्क्रॉल में मैक्सिमम पार्ट चेंज होता है, बस ये पार्ट हमारा चेंज होता है, ठीक है। रोटर्स में भी होता है, स्टेटर भी होता है, लो बेयरिंग भी होता है, सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप, तो मेनली है वाले पार्ट में हमारा The difference is जो compression, suction and discharge काम करता है। ये हमारा rotary screw type है, single screw, double screw, तो जिस तरह से suction, casing, compression part, oil injector, male rotor, female rotor, mechanical seal, input, discharge port, तो इस तरीके से हमारा rotary screw compressor है। ये हमारा centrifugal, जो मैंने बताया था centrifugal है high capacity compressor, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी सिर्फ फिल्म पिक्चर में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन एक एक पार्ट का फंक्शन एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्रेसर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग क्या होता है, कॉस्ट लो होती है, एफिशिएंसी भी लो होती है, वाइब्रेशन हाई होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ईजी होती है, एक्यूरेसी एंड इनपुट पर यूनिट लो एंड हाई। रोटरी गन में मीडियम, मीडियम मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, लो, तो ये इसकी कैटेगरी किस तरीके से करते हैं। जब सबसे ज़्यादा सेंट्रिफ्यूगल कॉस्ट भी बड़ा है तो कॉस्ट भी क्या होती है, हाई होती है, एफिशिएंसी वेरी हाई, वाइब्रेशन लोएस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब इसको बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी, इतना सिंपल फंक्शन नहीं है। एंड इनपुट पावर पर यूनिट हाई, हाई पावर कंज्यूम करता है। इस तरीके से हम ये करैक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने आरए की एक समरी कर लेते हैं। इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो हमने पढ़ा। स्विंग टाइप कंप्रेसर जो नॉन इन्वर्टर में यूज़ किया था वो क्या होता है वो पढ़ा। और रोटरी कंप्रेसर में स्विंग वेन टाइप कंप्रेसर एंड सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन व्यूज़ कैसे हैं उनके बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एवरी कंप्रेसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग नित्य एजुकेशन।